हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, UPNHM 17,000 प्लस की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, दोस्तों वेटिंग लिस्ट का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही दोस्तों, किस किस यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज वेटिंग लिस्ट निकलेगी, और साथ ही जो स्टाफ नर्स की रिजल्ट है वो कब तक होने वाली है, साथ ही ANM की यहाँ पर जो है LT की, फार्मेस्ट की यहाँ पर जो एलोपैथी की जो वेटिंग लिस्ट है प्रोग्राम वाइज वो कब कब जगह हो सकती है, और साथ ही उनकी जो जिला ऑटन है वो कब तक होगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी के प्रोग्राम वाइज जो है मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो पूरे तरह से डाल दी है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो मेन टॉपिक है स्टाफ नर्स की रिजल्ट का रिगार्डिंग। तो दोस्तों, स्टाफ नर्स की रिजल्ट में उम्मीदवारों को कम से कम अभी एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द दोस्तों आप सभी को कल मैंने एक अपडेट दिया था जिसमें कि 500 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स की जो मेल और फीमेल की वैकेंसी थी इसमें वो पोस्ट कम होने वाली है। क्योंकि इस पोस्ट को जो जोड़ा गया था कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी में, उस पर यहाँ पर याचिका डाली हुई थी और याचिका की जो उम्मीदवार थे उन्होंने इसे जीता, और यहाँ पर इसी तरह से इस वैकेंसी में यहाँ पर जो 2200 कुछ पद थे स्टाफ नर्सिंग के वो अब 1700 कुछ हो गए हैं दोस्तों पद। तो यहाँ पर आप सोचते हैं कि जो इसकी कटअप है वो क्या हाई होगी, और जो इसकी परिणामे हैं वो कब तक जारी होंगी वो मैं बताने वाला हूँ। अगर स्टाफ नर्स के उम्मीदवार जानना चाहते हैं उनकी कटअप क्या है, तो दोस्तों 20-25% आपकी जो कटअप में बढ़ोतरी होने वाली है। एग्जैक्ट पोलिंग मैंने दोस्तों कराया है, अब दो पोस्टिंग कराने के बाद जो अपडेट आएगी वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोस्तों, बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं इसकी रिजल्ट को लेकर। तो इसकी रिजल्ट दोस्तों आप जो है अब दिसंबर के पहले वीक या 3 या 4 तारीख को जारी होगी। इससे पहले दोस्तों टाइम यहाँ पर उससे पहले दोस्तों जारी नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रक्रिया में टाइम लगेगा, पदों की संख्या, उनकी दोबारा रिवाइज कटअप भी बनानी होगी, तब जाकर जो है उनकी फाइनल जो है रिजल्ट जाकर दोस्तों आप सभी की जारी की जाएगी। दोस्तों DV की बात करें तो DV की प्रक्रिया 2024 में आप सभी की स्टार्ट होगी जनवरी में, और जल्द से जल्द इसकी पूरा कराकर और जिला आउटन जो है आप सभी को जनवरी में ही दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट क्या आएगी या नहीं आएगी। तो कंफर्म रखें दोस्तों, वेटिंग लिस्ट जिनके उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड जारी हो, आपने नंबर आपने देखे हैं, अगर एक या दो नंबर से अगर छट रहे हैं तो आप ये सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी वो पोस्ट वाइज, जिसमें कि 5% का गिरावट आप सभी को देखने को मिलेगा वेटिंग वाले को। यानी कि दोस्तों एक नंबर या दो नंबर में अगर आप छटे हैं तो आप ये 100% कन्फर्म हो जाए, सियोर हो जाए कि जो आपकी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में है नाम आएगी, और जो वेटिंग लिस्ट है वो फरवरी और मार्च में निकाला भी जाएगा। दोस्तों वैसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों वो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वैकेंसी में 3 गुना अभ्यर्थी को लेना था और 3 गुना अभ्यर्थी को नहीं लिया गया है दोस्तों, तो इसमें इसलिए इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। पर वेटिंग लिस्ट जारी दोस्तों तब की जाएगी जब इसके सारे पद जो है वो बचे हुए रहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि UPNHM डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर जो है यूपी के अंदर कई सारी वैकेंसियों में, NHM की वैकेंसियों में, नर्सिंग की वैकेंसियों में जो आप सभी की जो पद खाली हैं उसे वेटिंग निकाल कर ना भर कर एक नई जो है वैकेंसी को अपडेट कर दिया जाता है, तो इस तरह से वेटिंग पे चांस कम हो सकती है। पर दोस्तों एक वेटिंग लिस्ट हर पोस्ट वाइज, हर प्रोग्राम वाइज जरूर जारी की जाएगी, यह आप कंफर्म न्यूज़ रखें। क्योंकि दोस्तों प्रक्रिया DV में कम से कम 30% ऐसे उम्मीदवार हैं जो हटेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जो अपडेट आ रही है उसमें कई के पास कई सर्टिफिकेट दोस्तों नहीं है, अपडेट नहीं है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नेम गलती है, उन्हें हमारी तरफ से अपडेट किया जाता है कि आप डिबिट कर लीजिए। पर दोस्तों फाइनली जो रिजल्ट आएगी वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाकर पता चलेगा कि क्या वो इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों लगातार यहाँ पर एरर आ रहे हैं, इसको लेकर UPNHM डिपार्टमेंट को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ा है, क्योंकि किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है, किसी के पास ईमेल अपडेट नहीं है, साथ ही दोस्तों उनके पास जो है प्रोग्राम वाइज उनकी जो है प्रिंटआउट नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और इस पर UPNHM 1700 प्लस के लिए स्पेशल जारी की गई है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी में जितनी भी लिस्ट निकाले जा रहे हैं उसमें से 30% या 40% कैंडिडेट DV से बाहर होंगे, आप ये कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि इस वैकेंसी में
इतने लंबे प्रक्रिया में जारी किया गया है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर से उधर हो चुके हैं और उम्मीदवारों को विश्वास नहीं था कि इतनी जल्द जो है प्रक्रिया पूरी की जाएंगी, और प्रक्रिया पूरी होने के कारण कम समय में उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो वेटिंग के लिए जितने उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं वो आएगी, पर आप सभी के जो है फरवरी और मार्च में 17,000 प्लस की वेटिंग को जारी किया जाएगा, आप ये बात कन्फर्म रखें दोस्तों। और स्टाफ नर्स के उम्मीदवारों की जो रिज़ल्ट है 3-4 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी, और जो कटअप है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाली है, मैं ये बता दे रहा हूँ आप सभी को। अगर इतने नंबर पर कटअप पर अगर आप उठते हैं तभी सिलेक्शन होगा, और नंबर ऑफ कटअप क्या जाएगी वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा, और जल्द ही इसके बाद एक नया वीडियो डालूँगा स्टाफ नर्सिंग की कटअप को लेकर, तो वो आप सभी ज़रूर देखें और अपने कटअप की अकॉर्डिंग मिला लें, क्योंकि 500 पद दोस्तों घटने के बाद एक पद पर 1212 आदमी दोस्तों जुड़ रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि जो 1700 यहाँ पर जो वैकेंसी है अगर उसमें 1200 आदमी जुड़ रहे हैं तो कितने वैकेंसी हो जाएंगे। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं कि 1200 वैकेंसी में, यानी कि दोस्तों 20,400 ज़्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद जो कटअप की जो संख्या है वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों जितने उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं कि कटअप का, तो जरूर बताया जाएगा, आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। कोई डॉक्यूमेंट पर रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।